सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SDA में। और टॉपिक क्या नाम है दोस्तों? टॉपिक का नाम है लेसन 391 एंड टॉपिक का जो नाम है सक्सेस। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द सक्सेस? आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द सक्सेस। सो लाइक वेन एवर वी आर टॉक अबाउट द सक्सेस, सक्सेस इज लाइक वेन एवर वी आर अचीव आवर गोल्स एंड वी फील हैप्पीनेस एज वेल एज वी फील सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, दैट इज़ द सक्सेस। मतलब जब हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं उसके साथ साथ हम मतलब खुश भी रहते हैं, हम सेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फाइड भी रहते हैं, दैट दिस इज़ द सक्सेस। इट इज़ माई ओपिनियन। सो पीपल्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट परस्पेक्टिव, मतलब वो उनका सोचने का एक अलग नज़रिया होता है। तो सबके अनुसार सक्सेस का जो है परिभाषा सबके अनुसार अलग रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में आपका क्या है, व्हाट लीडरशिप लुक्स लाइक। ठीक है, तो ये जो इमेज है, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो है ये बंदा जो है इन फ्रंट फ्रंट पे है, तो लगता है कि ऐसा लीडरशिप लुक्स लाइक, मतलब कि लीडरशिप जो होता है, मतलब उसे देखने लगता है इट्स इजी टू लाइक लीड समथिंग। सो मतलब लीडरशिप लगता है देखने में आसान, मतलब कि होता नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब कि कट किया है। सो इन इट इज़ माई ओपिनियन, इट इज़ माई परस्पेक्टिव, इट इज़ योर परस्पेक्टिव, इट इज़ योर, यू हैव डिफरेंट परस्पेक्टिव आल्सो आई थिंक। सो यहाँ पर देखेंगे आपका, सो यहाँ पर देखेंगे ये चित्र देखेंगे, तो इन दिस इमेज वी कैन से दैट इट इज़ लीडरशिप वेन वी आर डूइंग, वेन वी आर लीडिंग समथिंग दैट टाइम इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, यू नो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो मतलब कि जो लीडरशिप होता है इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब कि पर्सपेक्टिव है। ओके, सो व्हाट योर पर्सपेक्टिव, यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक। सो देख लेते हैं पार्ट बी क्या है आपका, देख लेते हैं सक्सेस। सो सक्सेस यहाँ पर दिया है, व्हाट वर्ड्स कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ वर्ड सक्सेस। सो मीन्स व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल यू फाइंड व्हेन यू हर हियर द सक्सेस, मतलब कि जब भी आप सक्सेस वर्ड को सुनते हैं, दैट टाइप किस टाइप का, मतलब कि आपके माइंड में मतलब क्या आपके मतलब कि क्या आता है। तो आई थिंक यहाँ पर हो सकता है कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बोल सकते हैं। जब मैं सक्सेस वर्ड सुनता हूँ, हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन आप बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, ये दो वर्ड हमको मतलब जब हम सक्सेस वर्ड को सुनते हैं तब हमें ये चीज़ें आता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन एज वेल। ओके, लेट्स गो सेकेंड वन। व्हाट इज़ द सेकेंड वन? सक्सेस इज, व्हाट इज सक्सेस? सो यू हैव टू बी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द सक्सेस। आई थिंक यू नो सक्सेस इज लाइक वेन वी आर फाइंड आवर गोल एंड वी फील लाइक हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन एंड ऑल द थिंग्स वेन वी आर रिलैक्स, दैट इज द सक्सेस। इट इज़ माई ओपिनियन। ओके, सो सक्सेस, सक्सेस इजेंट, मतलब सक्सेस नहीं है, सक्सेस क्या नहीं है? तो यू कैन से दैट इफ आई विल फाइंड माई गोल एंड आई एम नॉट फील द यू नो हैप्पीनेस एंड आई फील नॉट सेटिस्फाइड ऑल्सो, दैट इज़ नॉट सक्सेस। अगर हम खुशी नहीं है, अगर हम मतलब कि अपने गोल को पा जाते हैं, अगर हम खुश नहीं हैं या हम चीज़ों को लेकर वो संतुष्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट सक्सेस। ओके, तो ये भी हो जाएगा आपका बींग सक्सेसफुल फील्स, मतलब कि सक्सेसफुल होना आप कैसे फील करते हैं। टू बी सक्सेसफुल वन नीड्स टू बी सक्सेसफुल वन नीड टू वन नीड टू बी सक्सेसफुल वन नीड्स टू, मतलब कि सक्सेसफुल होना आपको मतलब कि क्या, एक क्या चीज़ें जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल होना मतलब कि आपको एक वर्ड में बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी, या बोल सकते हैं आप परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, या आप डेडिकेशन बोल सकते हैं, या फेलियर भी बोल सकते हैं कि आप फेल होंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। सो देयरफॉर सक्सेस मीन्स, यह आप क्लियर हो गया आई थिंक सब चीज़ आपका। सो वी हैव टू बी गो पार्ट सी ऑल्सो। सो वट पार्ट सी? सो फर्स्ट क्वेश्चन इट, हु वुड यू कंसिडर एज ए सक्सेसफुल पर्सन, मतलब आप किसको कंसिडर करते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन है, समवन यू यू नो पर्सनली, आप मतलब ऐसे किसी
किसी इंसान को जानते जो आपको पर्सनली है, एंड सी मीट एंड ऑप्टन और नॉट ए फॉर सी मीट ऑप्टन और नॉट फॉर ए फेमस एक्टर स्पोर्ट्समैन बिजनेसमैन। सो यू नो एनी वन पर्सनली हु हैव मीन्स सक्सेसफुल पर्सन लाइक इन योर सोसाइटी, दे हैव दे कैन योर सोसाइटी आल्सो एंड नाइवरहुड आल्सो। सो यू नो एनी वन पर्सन, सो आप वहाँ पर आप बता सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। सो सेकेंड वाला है, वाई डू यू कंसिडर हिम टू बी सक्सेसफुल। आप क्यों मतलब कि विचार करते हैं दे आर सक्सेसफुल, वाई यू आर कंसिडर दे आर सक्सेसफुल। सो यू हैव टू बी से योर ओन थाट, ओके। सो यू कैन से दैट दैट पर्सन यू सक्सेसफुल, दैट्स आई कंसिडर बिकॉज ही ऑलवेज वेन एवर आई सी द पर्सन दैट पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड ही हैव डजेंट फेस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो दैट इज द रीजन आई कंसिडर इट इज दिस दैट पर्सन इज सक्सेसफुल, ओके। सो सेकंड वन देख लेते हैं, व्हाट क्वालिटी डज एंड ही एंड सी हैव दैट अदर्स लेस सक्सेसफुल डू नॉट हैव। सो आप मतलब कि क्या क्वालिटीज मतलब कि या व्हाट क्वालिटीज मतलब उनके पास कौन सी क्वालिटी होती है सक्सेसफुल होता है, जो अदर सक्सेसफुल नहीं होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, क्या क्वालिटी उनके पास होता है। तो यू कैन से दैट दे हैव क्वालिटी आप व्हेनेवर दे आर हार्ड वर्किंग पीपल एज वेल एज दे आर डेली दे वर्क दे मीन्स कंसिस्टेंसी दे फॉलो एंड मतलब वो दृढ़ होते हैं अपने गोल पे काम करते हैं, दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। एंड दे पर्सन दे आर नॉट सक्सेसफुल दे हैव नो पेशेंस आल्सो, सो दैट्स वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल। यू कैन स्पीक लाइक दैट, ओके। सो व्हाट द फोर्थ वन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस सी एंड ही माइट हैव मेड टू बी सक्सेसफुल। मतलब वो कौन से मतलब कि सेक्रीफाइस हुए मतलब किए हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो आप बोल सकते हैं आप जो आप मतलब हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन जैसे कोई अलग पर्सन होता है जैसे कुछ चीज़ को पाना चाहता है, तो वो मतलब कि अपने फैमिली को छोड़ के एक मतलब कि अलग सिटी में जाता है और तैयारी करता है। तो मतलब कि वह सेक्रीफाइस कर रहा कि अपने उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं है, बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वह, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं सेक्रीफाइस करके वह अपने आप को सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। सो अगला क्या देख लेते हैं, अगला क्या है, थिंक नहीं अगला है आर यू सक्सेसफुल एक्सप्लेन। मतलब अगर आप कोई सी चीज़ को मतलब कर रहे हैं आप सक्सेसफुल हैं तो क्यों है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देखेंगे, थिंक ऑफ ए गोल दैट यू हैव बिन वर्किंग टूवर्ड्स गोल फॉर ए लॉन्ग टाइम बट हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। इमेजिन दैट यू हैव फाइनली अचीव इट, विजुलाइज हाउ योर लाइफ डे वुड बी डिफरेंट आफ्टर यू हैव अचीव दैट गोल्स, राइट अबाउट इट इन 100 वर्ड्स इन डे माई लाइफ आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल। सो आप वहाँ पर आपको लिखना है कि 100 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा कि लाइक विच गोल यू आर अर्लियर, मतलब कि आप किसी गोल पे काम कर रहे हैं, आपने बनाया था उस पे काम कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, और इन दिस टाइम यू आर नॉट अचीव्ड, इफ़ यू आर अचीव दैट गोल सो मतलब कि क्या आप कैसे मतलब कि फील करते हैं, कैसे आपको मतलब कि आपका लाइफ डिफरेंट हो जाएगा, तो आप वहाँ पर आपसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपका हो गया दोस्तों, पार्ट डी देख लेते हैं, पार्ट डी देख लेते हैं दोस्तों। डज बींग सक्सेसफुल ऑलवेज मेक अस हैप्पी एक्सप्लेन, मतलब कि आपको सक्सेसफुल होना मतलब कि ऑलवेज हैप्पी मतलब कि होता है, मतलब कि सक्सेसफुल होना ऑलवेज हैप्पी होता है आपके लिए, कैसे मतलब कि एक्सप्लेन करिए। तो आप बोल सकते हैं आई थिंक इन माई परस्पेक्टिव इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग आवर गोल्स यू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स वी विल यू नो आर डिसअपॉइंटेड एज वेल एज अर्लियर लाइक दैट। मतलब जैसे हम पहले थे वैसे हम डिसअपॉइंट हो जाते, फिर मेरा एक आपका फिर एक अलग आपका थाट्स हो जाता है। तो हैप्पी आई थिंक इट डजेंट
आपका पर्सपेक्टिव क्या है आप बोल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या है, डज बींग सक्सेसफुल ऑलवेज मेक अस हैप्पी, क्या मतलब सक्सेसफुल होना आपको हमेशा खुश रखता है। और डज अदर पीपल सक्सेसफुल मेक अस हैप्पी, डज अदर पीपल सक्सेस मेक अस हैप्पी, क्या आपका दूसरों का सक्सेसफुल होना आपको हैप्पी बोलता है। तो आप बोल सकते हैं यस, वहाँ पर आप बोल सकते हैं अपना पर्सपेक्टिव, यस आई फील हैप्पी इफ दे आर सक्सेसफुल आई फील। सो अगला क्या है, इज सक्सेस ए हैबिट और ए चॉइस, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है क्या सक्सेस जो है हैबिट है या चॉइस है, मतलब कि एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि आपका जो थॉट्स हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि चॉइस मतलब कि सक्सेसफुल होना मतलब कि चॉइस हो सकता है, चॉइस है, क्योंकि व्हेन वी आर मतलब कि चॉइस आकर मतलब किसी चीज़ को हम चुनते हैं दैट टाइम, उसके बाद हमारा जो है हैबिट बनता है। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं अपने अनुसार, ओके। इज बींग सक्सेसफुल इज इट फॉर सम डिफिकल्ट अदर एक्सप्लेन, ठीक है। क्या सक्सेसफुल मतलब कि इज बींग सक्सेसफुल इजी फॉर सम एंड डिफिकल्ट फॉर अदर्स, एक्सप्लेन। मतलब कि यहाँ पर मतलब कि सक्सेसफुल होना सबके लिए आसान, मतलब कि कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, क्यों आपको बताना क्यों। तो आप बोल सकते हैं कि सम पीपल आर फॉलोइंग सम थिंग्स लाइक दे आर कंसिस्टेंस, दे हैव कंसिस्टेंस एंड दे हैव फॉलोड ऑल द थिंग्स एंड दे वर्क हार्ड, दैट्स वाई दे आर बींग सक्सेसफुल। एंड सम पीपल हैव नॉट क्वालिटी दिस थिंग, दैट्स वाई दे आर अनसक्सेसफुल, यू कैन से राइट लाइक दैट, ओके। अगला क्या है, आई फेल्ड माई वे टू सक्सेस, थॉमस एल्वा एडिसन, डज फेल्योर ऑलवेज लीड टू सक्सेस, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप समझ लेंगे आशा करता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए है। तो ऐसा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो